वेलकम टू जीके विद करंट अफेयर्स। आज है 27 अप्रैल 2022। 27 अप्रैल 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, आज इस व्यू में हम जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और प्रत्येक के बारे में मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज के इस वीडियो के वीडियो के पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से भी आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एलन मस्क द्वारा या एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदने की घोषणा की है। एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर लगभग 3368 अरब रुपए में खरीदने की घोषणा की है। इस सौदे के साथ ही 16 साल पहले अस्तित्व में आए इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन एलन मस्क के हाथों में चला जाएगा। एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। वे टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। एलन मस्क स्पेस एक्सिस के संस्थापक भी हैं और मस्क विश्वभर में अमेरिकी कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए वॉरेन बफेट को पार कर गए हैं? तो गौतम अडानी हाल ही में दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने वॉरेन बफेट को पछाड़ दिया है। वॉरेन बफेट छठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर शिखर धवन बन गए हैं। शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। धवन ने पहले ऐसा कारनामा केवल विराट कोहली के किया है। आईपीएल में जहां धवन ने 6000 रन पूरे किए, तो वहीं 200 आईपीएल मैच भी खेलने में सफल हो गए। 9000 रन पूरे होते ही भारतीय शिखर धवन की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। विराट कोहली ने टी20 में 10392 रन बनाए हैं, तो वहीं रोहित शर्मा के नाम इस समय 10048 रन दर्ज हैं। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी लॉन्च की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी लॉन्च की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने एक साथ कितने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया है? तो हाल ही में भारत ने एक साथ 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना दर्ज किया है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के महत्व से के उजागर को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है? तो दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, कितने राज्यों में के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालक्कड़ यानी केरल में उनके आवास पर निधन हो गया है? तो 6 राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर नारायण का
पलक्कड़ केरल में उनके आवास पर निधन हो गया है। बकौल रिपोर्ट्स वह पिछले 1.5 साल से कई बीमारियों से इलाज करा रहे थे। वह महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा के गवर्नर रहे थे और कम से कम 4 बार केरल विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने 4 दिवसीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया है? तो राजनाथ एन जयशंकर, यानी ए और बी, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने 4 दिवसीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार LIC ने कितने करोड़ IPO के लिए 902 से 949 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है? तो 21,000 करोड़। LIC ने 21,000 करोड़ IPO के लिए 902 से 949 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। हाल ही में नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में कितने करोड़ से अधिक मूल्य की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में 5500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने तैलिन एस्टोनिया में एक बहुदिवसीय साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने तैलिन एस्टोनिया में एक बहुदिवसीय साइबर अभ्यास आयोजित किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास करेगा। एस्टोनिया में नाटो कॉरपोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार द्विवार्षिक लॉक्ड शील्ड्स इवेंट को वास्तविक समय से हमले के खिलाफ राष्ट्रीय IT सिस्टम और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के कौशल में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, केरल के इतिहास को दर्शाने के लिए कॉस्मोस मालावारिकस परियोजना के लिए केरल किस देश के साथ सहयोग करता है? तो नीदरलैंड। केरल और नीदरलैंड ने 18वीं शताब्दी में दक्षिणी राज्य के इतिहास को चित्रित करने में मदद करने के लिए कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने कहा कि समझौते का उद्देश्य कोल्लम और मल्लपुरम में पेंट अकादमी स्थापित करना भी है। नीदरलैंड की राजधानी वर्तमान में एम्स्टर्डम है और मुद्रा यूरो है, जबकि प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने 2022-23 के कितने मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने 22-23 के लिए 400 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। निम्नलिखित में से किस देश ने 24वें ग्रीष्मकालीन डीफ्लपिक्स का आयोजन किया जाएगा? तो ब्राजील में 24वें ग्रीष्मकालीन डीफ्लपिक्स का आयोजन किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू होता है या किया जाएगा? तो नई दिल्ली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 आयोजित किया गया है।
अब प्रीवियस वी ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस के बीडी आंसर्स इस प्रकार हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स ने लगभग सही दिए हैं। भारत का सबसे ऊंचा टावर वर्तमान में जयपुर में बनाया जा रहा है। दूसरा, विप्रो ने किसे एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया का सीईओ नियुक्त किया है? अनीश चेचना। दोस्तों, क्वेश्चंस के बारे में आप जितना लिख सकते हो, जितना जानते हो उतना लिखने की कोशिश करें। लिखने से हमेशा क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा याद रहते हैं। वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ हैं। अब क्वेश्चंस आपके लिए, जिनका क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स मार्च 2022 में किस शहर में शुरू हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। दूसरा, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और तीसरा, किस कंपनी ने कतर 2022 के लिए अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया है? इन सभी के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स से देने हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको इस चैनल से निश्चित ही सफलता मिलेगी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आने वाली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलती रहे। जीके विद करंट अफेयर्स, ऑलवेज विद यू। गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।